हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब 27 से 32 आयत तक। एक दिन यीशु ने कहा, तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं पर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रयाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ऐ फकीरों और फरीसियों, ऐ रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मजार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक न बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातिलों के फरसंद हैं। बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तलावत में यीशु की तंबी और मलामत अपने अरूज पर है। यीशु दिखावे और रियाकारी की मजम्मत करता है। अब वो रियाकार फरीसियों पर सख्त अफसोस का इजहार करता है। यीशु उस शहर पर अफसोस का इजहार करता है जो उसे बहुत अजीज था। जब वो ये याद करता है कि खुदा कितने लंबे अरसे तक अपने लोगों को तौबा की तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा और किस तरह वो खुद उनसे दरख्वास्त करता रहा कि उसे और उसकी निजात को कबूल करें मगर सब बेसुध साबित हुआ, तो उसका दिल टूटता नजर आता है। ये ठुकराई हुई मोहब्बत की चीखो पुकार है कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वैरान छोड़ा जाता है। ये हैकल और शहर की तबाही के मुतालिक पेशन गोई है। तो भी इसके बाद की आयत हमें उम्मीद दिलाती है कि बनी इसराइल उसे उसकी दूसरी आमद पर देखेंगे। यीशु उसी दिन शहर से चला गया और जुमेरात तक, जो कि आखिरी खाने और पकड़वाए जाने का दिन था, वापस न आया।